तो उत्तराखंड में मतदान होने के बाद भी विवाद जारी और बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को निशाने पर लिया है। संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी की इस बार हार होती है तो उसके जिम्मेदार मदन कौशिक होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को गद्दार तक कह दिया है। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तो दूसरे चरण में दिग्गजों की किस्मत जब ईवीएम में कैद हो रही थी, ठीक उसी वक्त शाजापुर में फर्जी वोटिंग की खबर पर एक चिंगारी सुलगी और देखते ही देखते वो अंगार बन गई। पथराव, गिरफ्तारी, गोलीबारी सब हुआ, अमर्यादित शब्द निकले, विवादित सुर बुलंद हुए और ये सब आधी रात तक यूं ही चलता रहा। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों हुआ शाजापुर का माहौल अशांत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विवाद की ये तस्वीर शाहजहांपुर के उस इलाके की है जहां सोमवार दोपहर तक खामोशी थी, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था, दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें ओझल होती गईं, तंग गलियों में विरोध के सुर आसमान को छूते गए। विवाद शुरू हुआ फर्जी मतदान की खबर से और अंत गोलीबारी के बाद गिरफ्तारी पर जाकर हुआ। दोपहर करीब 3 बजे शाहजहांपुर के भटियापुर गांव में बीजेपी समर्थकों ने एसपी पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थक आकाश तिवारी मतदान केंद्र पहुंचे तो हंगामा बढ़ गया, लेकिन किसी तरह से हंगामे को शांत कराया गया। शाम 6 बजे आरोप लगाया जा रहा है कि जब आकाश तिवारी बूथ से वापस लौट रहे थे तो निगोही बिलसंडा मार्ग पर एसपी उम्मीदवार रोशन लाल के बेटे समेत करीब 50 लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट की। शाम 7 बजे आकाश तिवारी निगोही थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। आकाश ने ये आरोप लगाया है और इसके बाद थाने के बाहर भारी तादाद में बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए। शाम 7:30 बजे पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को वहां से भगाने की कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुए। इसी बीच किसी ने थाने पर पथराव कर दिया, मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रात करीब 9 बजे बीजेपी समर्थकों ने रोशन लाल वर्मा के घर की तरफ कूच किया, लेकिन रास्ते में ही एसपी उम्मीदवार रोशन लाल के समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। इस बीच पथराव और गोलीबारी होने की भी सूचना है। राम सिंह कुशवाहा, सलोना कुशवाहा और उसका भाई मुन्ना राजीव वर्मा, नरेश वर्मा, अत्यंदर सिंह का लड़का एक था गोरे, और 15-20 अज्ञात, हम नाम बता देंगे, समय में कन्फ्यूजन हूँ। दो फायर हमारे गेट पे लगे, अभी आप देख लीजिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, और ये खोखे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे फायरिंग दो गेट के लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कम से कम 1000 आदमी था फायरिंग, एक देखो ये लगा था, ठीक है।